एक समय की बात है जब एक घर में एक बुजुर्ग औरत और उसके दो बच्चे रवि और सुधा रहते थे सब लोग बड़ी हंसी खुशी घर में रह रहे थे पर जैसे ही रवि की शादी होती है तब सब बदल जाता है रवि की पत्नी रीमा बहुत ही तेज और चुगलखोर होती है वो हमेशा घर में लड़ाई झगड़े करती रहती है और अपने पति को अलग रहने के लिए उकसाती रहती है देखो मैं तो इन सब लोगों में नहीं रह सकती आप कब तक इनका खर्चा उठाओगे अरे पर हमारे अलावा इनका है ही कौन खर्चा तो मैं ही उठाऊंगा ना अरे तो कल को हमारे बच्चे होंगे तो उनके लिए कुछ जोड़ना है कि नहीं तभी बोल रही हूँ कि आप कुछ करो और इनको बोलो अपना इंतजाम खुद करें रवि बीच में फंस जाता है और समझ नहीं पाता की आखिर वो अपनी माँ को ये बात कैसे बोले अब रवि और रीमा की इस बात पर रोज लड़ाई होने लगती है और रीमा पीछे से अपनी सास और ननद को दुखी करती रहती है ये रोज कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है कि बस घर में लड़ाई हो हाँ माँ मुझे भी यही लगता है और अब तो ये रोज घर से गायब रहती है मैं ही सारा काम करती हूँ वही तो बेटी मुझे सब दिख रहा है पर हमारी मजबूरी है क्या मजबूरी माँ अरे अब हमारा खर्चा रवि ही तो उठा रहा है अभी हम कुछ बोल देंगे तो कहाँ जाएंगे ये लोग तो वैसे ही मौका ढूंढ रहे हैं कि घर में कोई बात हो और ये हमसे पीछा छुड़ा ले पर माँ ऐसी जिंदगी हम कब तक जिएंगे? बेटी अब क्या कर सकते हैं बस तू शांत रहे और थोड़े दिन देख लेते हैं रीमा का अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता ही रहता है अब तो उसकी हिम्मत और ज्यादा बढ़ने लगती है क्योंकि उसे पता होता है कि कोई भी उसे कुछ बोलने वाला है नहीं एक दिन रीमा बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलने लगती है और फिर इसी बात पर दोनों की बहस हो जाती है इतने में रवि वहाँ आता है और रीमा रोना शुरू कर देती है देख लो अपनी बहन को कैसे मुँह चला रही है पर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं क्या ये रोज रोज का ड्रामा है मैं काम ना करूँ क्या वैसे ही इतने लोगों का खर्चा मेरे सर पर है अब मैं ऐसे और नहीं रह सकता देखो अब तुम लोग अपना इंतजाम कर लो मैं तुमको इस घर में नहीं रख सकता बस फिर तो रीमा के मन में लड्डू फूटने लगते हैं वो इतनी खुश हो जाती है कि बस उसके मन की आखिरकार हो ही गई उसकी माँ और बहन खूब रोते गिड़गिड़ाते हैं पर रवि के कान पर एक जू नहीं रेंगती रीमा तो अगले दिन रवि के ऑफिस जाने के बाद ही अपनी सास ननद का सामान घर के बाहर फेंक देती है और दोनों को इतनी ठंड में वहां से जाना पड़ता है माँ अब हम कहाँ जाएंगे समझ नहीं आ रहा बेटी हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं सुधा अपनी माँ के साथ यहाँ वहाँ भटकती रहती है और फिर आखिर में एक पार्क के पास उनको एक टूटी फूटी खाली झोपड़ी दिखती है माँ ये देखो जाने किसकी झोपड़ी और देखो इसमें सामान भी पड़ा है अरे पर क्या पता कोई आ जाए तभी वहाँ से एक आदमी गुजरता है और उनसे पूछने लगता है कि वो दोनों वहाँ क्या कर रही हैं। सुधा के बताने के बाद वो आदमी बोलता है ये झोपड़ी एक बड़े आदमी की थी पर कुछ दिन पहले उसकी मौत हो गई तुम दोनों यहाँ रह सकती हो ठंड तो बहुत है पर यहाँ सुबह सुबह सबसे अच्छी धूप भी आती है आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुधा और उसकी माँ उस झोपड़ी के अंदर जाते हैं। उसमें एक चारपाई और कुछ बिस्तर भी होते हैं वो लोग उसी झोपड़ी में सो जाते हैं सुबह सुबह सूरज की रोशनी सीधा उनकी झोपड़ी पर पड़ती है और दोनों की आंख खुल जाती है अब दोनों को खाने की चिंता होने लगती है माँ आप पार्क में आराम करो धूप में बैठो और मैं कोई काम देखती हूँ जाकर ठीक है बेटी सुधा काम ढूंढने चली जाती है और उसकी माँ पार्क में एक औरतों के झुंड के पास बैठ जाती है वहां सारी औरतें सिलाई लेकर बड़े मजे से स्वेटर बना रही होती है सुधा की माँ उनको बड़े ध्यान से देख ही रही होती है कि तभी एक औरत वहां अपना स्वेटर बनवाने आ जाती है पर कोई भी उसका स्वेटर बनाने के लिए हामी नहीं भरता अरे बना दो ना मैं ऐसे कोई फ्री में नहीं बनवा रही पैसे दूंगी इसके ये देखकर सुधा की माँ बोल पड़ती है अरे बहन जी लाओ मैं बना देती हूँ आपका स्वेटर मैं वैसे भी खाली बैठी हूँ तुमको स्वेटर बुनना आता भी है हाँ बहन जी आप स्वेटर देख ही पैसे देना मुझे वो औरत अपना स्वेटर सुधा की माँ को दे जाती है सुधा की माँ पूरा दिन स्वेटर बुनती है और धूप जाने के बाद अपनी झोपड़ी में आ जाती है इतने में वहां सुधा भी अपनी लटकी हुई शक्ल लेकर आ जाती है क्योंकि उसे कोई काम नहीं मिलता अरे तू निराश मत हो कोई ना कोई काम मिल जाएगा पर आप ये किसका स्वेटर बना रही हो अरे ये पार्क में कोई औरत दे गई है वो इसके मुझे पैसे देगी अरे वाह ये तो सही है सुधा की माँ दिन रात करके दो दिन के अंदर वो स्वेटर बुन देती है उसके बाद जब वो पार्क में उस औरत को वो स्वेटर देती है तो बस सब देखते ही रह जाते हैं अरे वाह ये तो आपने कमाल ही कर दिया इतना सुंदर स्वेटर बनाए की लगी नहीं रहा कि हाथ का बनाए आपको पसंद आया यही बड़ी बात है वो औरत सुधा की माँ को अच्छे खासे पैसे देती है जिसे देख वो बड़ी खुश हो जाती है अब सब लोग सुधा की माँ को स्वेटर बनाने के लिए ऊन देने लगते हैं सुधा की माँ सबका ऊन लेकर दिन रात स्वेटर बुनने लगती है पर फिर एक रात सब बदल जाता है रात को सुधा की माँ अच्छी भली सोई हुई होती है पर सुबह उनकी आंखें नहीं खुलती सुधा को अपनी माँ के मरने का बड़ा दुख होता है और वो खूब रोती है माँ आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई मैं अकेले कैसे जियूंगी कैसे जियऊंगी सुधा इसी गम में स्वेटर बुनना बंद कर देती है और बस रोते रोते ही दिन निकाल देती है सुधा की माँ मरने के बाद चुड़ैल बन जाती है वो सुधा को देखने आती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरी बेटी अकेली रह गई मुझे इसकी मदद करनी होगी चारों तरफ झोपड़ी में ऊन ही ऊन उन फैला पड़ा होता है और कितने अधूरे स्वेटर बने पड़े होते हैं चुड़ैल ये सब देखकर बड़ी परेशान हो जाती है लगता है सुधा ने एक भी स्वेटर नहीं बनाया ऐसे वो कैसे खर्चा उठाएगी और कैसे जिएगी मुझे इसकी मदद करनी होगी चुड़ैल के हाथ मशीन से भी ज्यादा तेज चल रहे होते हैं और वो रातों रात सारे स्वेटर बनाकर ढेर लगा देती है सारे स्वेटर बन गए अब बस जब सुधा सुबह उठेगी तो खुश हो जाएगी चुड़ैल वहां से चली जाती है और फिर वही होता है सुधा जब उठती है तो सारे बने हुए स्वेटर देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये सारे स्वेटर किसने बनाए कल तो इन सब का ऊन पड़ा था रात तक सब फैला हुआ था और ये रातों रात स्वेटर कैसे बन सकते हैं ये तो नामुमकिन है मतलब ये तो लग रहा है कि कोई जादू ही हो गया हो अब धीरे धीरे औरतें अपने स्वेटर लेने आने लगती हैं सुधा सबको उनके स्वेटर दे देकर उनसे पैसे लेती रहती है और उस दिन उसके पास इतने पैसे हो जाते हैं कि उसे यकीन ही नहीं होता अब पहले से भी ज्यादा औरतें स्वेटर बनाने के लिए सुधा को ऊन दे जाती हैं सुधा उनको भी मना करती है कि वो अकेली स्वेटर नहीं बना सकती फिर भी कोई उसकी नहीं सुनता मैं कैसे इतने सारे स्वेटर बनाऊंगी सुधा फिर भी पूरी कोशिश करती है और पूरा दिन स्वेटर बनाने में लग जाता है रात को स्वेटर बनाते बनाते उसकी आंख लग जाती है और तभी वहां चुड़ैल आ जाती है हाय मेरी बेटी कैसे स्वेटर बुनते बुनते सो गई पर अब मैं आ गई हूं ना अब परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है चुड़ैल रातों रात सबके स्वेटर बना डालती है सारे स्वेटर बनाने के बाद वो सबको अच्छे से वहीं रख देती है और फिर अपनी बेटी के सर पर हाथ फेर कर वहां से गायब हो जाती है जब सुधा सुबह उठती है तो वो बड़ी परेशान होती है कि आखिर सारे स्वेटर कैसे बनाएगी पर फिर उसकी नजर सारे बने हुए स्वेटरों पर पड़ती है हे भगवान ये तो सारे के सारे स्वेटर बनकर तैयार हैं, पर आखिर ये कैसे हो सकता है कल भी सारे स्वेटर तैयार रखे थे और आज भी आखिर कैसे और कौन है इसके पीछे सुधा जब एक एक स्वेटर उठाकर देखती है तो वो सबके डिजाइन देखकर हैरानी रह जाती है एक से बढ़कर एक डिजाइन होता है सारे स्वेटर में जो कोई भी न बना पाए सुधा बड़ी खुश होती है और सबके स्वेटर देने पार्क में पहुंच जाती है औरतें बड़ी हैरान होती हैं कि उस अकेली लड़की ने रातों रात आखिर सारे स्वेटर कैसे बना डाले खैर जो भी हो सुधा बड़ी मशहूर हो जाती है वो जल्दी ही अपने काम को बड़ा कर लेती है और धीरे धीरे एक छोटा सा घर भी खरीद लेती है पर उसको अभी तक ये नहीं पता चल पाया होता कि उसकी मदद कौन कर रहा है जब सुधा के पास सब कुछ होता है और वो एक आराम की जिंदगी जी रही होती है तब उसको अपनी माँ की बहुत याद आती है देखो माँ आज मेरे पास सब कुछ है काश आप होती ना तो आप बहुत खुश होती देखती कि यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है और आपकी बेटी के पास पैसे ही पैसे हैं। तभी वहाँ एक औरत स्वेटर का ऑर्डर देने आती है वो जैसे ही सुधा के स्वेटर को देखती है तो उससे बोलती है मुझे बिल्कुल यही डिजाइन चाहिए अपने बेटे के स्वेटर में सालों बाद आ रहा है वो मेरे पास अरे पर ये डिजाइन मैं कैसे बनाऊंगी ये डिजाइन मेरी माँ ने डाला था और अब वो इस दुनिया में नहीं है अरे तू तो इतने मुश्किल मुश्किल डिजाइन डाल सकती है तो इसमें क्या है मैं कल स्वेटर लेकर आऊंगी और तू बस यही डिजाइन डाल देना वो औरत तो चली जाती है और सुधा परेशानी में आ जाती है कि वो डिजाइन तो कोई नहीं बना सकता उसकी मां के अलावा सुधा कोशिश भी करती है पर उससे वैसे डिजाइन नहीं बन पाता और वो हार कर सो जाती है उसके सोते ही हमेशा की तरह चुड़ैल वहां आ जाती है और मुस्कुराने लगती है अरे ये डिजाइन तो सच में कोई भी नहीं डाल सकता पर मैं तो डाल सकती हूं ना चुड़ैल अपनी ऊन सिलाई उठाती है और बस बना देती है बिल्कुल वैसा ही स्वेटर उसके बाद वो हमेशा की तरह बाकी के स्वेटर भी बुनकर रख देती है जब सुबह सुधा देखती है तो इस बार उसका चेहरा अलग ही होता है वो परेशान भी होती है पर उसके चेहरे पर एक अलग सी खुशी भी होती है मैं सब समझ गई अब तक तो मुझे शक था पर आज यकीन हो गया कि ये माही है माही ये डिजाइन डाल सकती है सुधा बड़ी खुश होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं सुधा अपनी माँ की मदद से कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो जाती है उसके बाद उसकी शादी बड़ी अच्छी जगह हो जाती है और उसको वहां स्वेटर का काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती ये देख सुधा की माँ की आत्मा को भी शांति मिल जाती है और वो कभी वापस नहीं आती